दोस्तों अगर आप भी मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का 29वां मुकाबला देखकर खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आपको तो पता ही है कि जब चेन्नई और मुंबई की टीम आमने सामने होती है तो आईपीएल में तो मुकाबले अपने आप रोमांचक और ऐतिहासिक बन जाते हैं और अंतिम ओवर में तो मैच का पहुँचना बिल्कुल लाजमी रहता है। इस बीच वानखेड़े के मैदान पर आज जब चेन्नई और मुंबई के बीच जब मुकाबला शुरू हुआ तो यहाँ पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस का टीम काफी ज्यादा मजबूत है और चेन्नई को आसानी से 150 के पार भी जाने नहीं देगा, क्योंकि चेन्नई की पारी की शुरुआत विकेट के साथ हुआ था। यहाँ पर अंजिक्य रहाणे और रजिंद्र रविंद्र ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज ओपनिंग की तो यहाँ पर हर कोई हैरान था कि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं आए। आज अंजिक्य रहाणे को भेजकर सबसे गलती यही कर दी कि आज चेन्नई को सबसे बड़ा झटका अंजिक्य रहाणे के रूप में लगा। आईपीएल 2024 सीजन में पहली बार हार के बाद लगातार 2 मैच जीतकर बेहतरीन फॉर्म में चलने वाली मुंबई इंडियंस के विजयी क्रम को उसके घर में महेंद्र सिंह धोनी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने घुसकर रोका। चेन्नई ने धोनी के अंत में हार्दिक पांड्या की 4 गेंदों में बनाए गए 20 रन से मुंबई को 207 रन का विशाल लक्ष्य दिया। इसके जवाब में रोहित शर्मा ने अकेले मुंबई इंडियंस के लिए 105 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली, लेकिन बड़े स्कोर के आगे टीम को जीत नहीं दिला सके, जिससे मुंबई की टीम अंत तक 186 रन ही बना सकी और उसे 20 रन से हार का सामना करना पड़ा। हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवर में धोनी ने लगातार 3 छक्के उड़ाए और यहीं से मैच का मोमेंट चेन्नई की तरफ चला गया, जिससे मुंबई की टीम बाद में उबर नहीं सकी। हार्दिक ने आखिरी ओवर में 26 रन खर्च किया और इससे अंत तक रोहित शर्मा शतक जड़ने के बाद भी अपनी टीम को जिता नहीं सके। इस तरह मुंबई को आईपीएल 2024 सीजन के 6ठे मैच में 4थी हार, जबकि चेन्नई ने अपने 6ठे मैच में 4थी जीत दर्ज कर डाली। मुंबई के मैदान में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके जवाब में चेन्नई ने अंजिक्य रहाणे को ओपनिंग में भेजा, लेकिन उनका ये दाव काम नहीं आया। रहाणे 8 गेंद में 5 रन बनाकर गेलार्ड क्योजिया का शिकार बन गए। हालांकि अन्य ओपनर रचिन रविंद्र ने 16 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के से 21 रन की पारी खेली और श्रेयस गोपाल का शिकार बन गए। इस तरह 60 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने मुंबई को बैकफुट पर ढकेला। गायकवाड़ और दुबे के बीच 3रे विकेट के लिए 90 रनों की दमदार साझेदारी हो चुकी थी। तभी कप्तान गायकवाड़ 60 गेंद में 5 चौके और 6 से 69 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद आए बल्लेबाजी करने डेविड मिचेल कुछ खास नहीं कर सके और 14 गेंदों में 1 छक्के से सिर्फ 17 रन ही बना सके, लेकिन अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने महफिल अपने नाम कर डाली। शिवम दुबे ने जहां एक तरफ मोर्चा संभाल रखा था, वहीं दूसरी तरफ आखिरी ओवर में जब 4 गेंद बची थी तभी धोनी मैदान में आए और हार्दिक पांड्या की गेंद पर 3 लगातार छक्के जड़े और आखिरी गेंद पर 2 रन दिए। इस तरह सीएसके के लिए 250वां मैच खेलने वाले धोनी 4 गेंद में 20 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि दुबे ने भी 38 गेंदों में 10 चौके और 2 छक्के से 66 रनों की पारी खेली, जिससे चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 206 रन बनाया। 207 रनों के चेंज में ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर धमाका कर डाला। रोहित और ईशान के बीच 7 ओवर 1 गेंद में 70 रन की साझेदारी हो चुकी थी। तभी ईशान किशन 15 गेंदों में 3 चौके और 1 छक्के से 23 रन बनाकर चलते बने, जबकि पथिराना के इसी 8वें ओवर की पहली गेंद के बाद 3री गेंद पर सूर्यकुमार यादव भी बिना खाता खोले चलते बने, जिससे मुंबई के 70 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। हालांकि 70 रन पर 2 विकेट गिर जाने के बावजूद रोहित शर्मा का बाला नहीं रुका, उन्होंने चौके और छक्कों की बरसात से 50 पूरी कर डाली थी। तभी तिलक वर्मा सेट नजर आ रहे थे, लेकिन 20 गेंद में 5 चौके से 31 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या भी 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही बना सके। इस तरह मुंबई को जब 24 गेंद में 72 रन की जरूरत थी, तब 5 गेंद में 2 छक्के से 13 रन बनाकर टीम डेविड भी चलते बने। 18 गेंद 53 रन के रोमांच में 83 रन बनाकर खेलने वाले रोहित और रोमारियो सेफाड़ पर जीत की जिम्मेदारी आ गई थी, लेकिन पहले ही 3 विकेट चटकाने वाले पथिराना ने 18वें ओवर में रोमारियो सेफाड़ को 1 रन की निजी स्कोर पर क्लीन बोल कर डाला, जिससे पथिराना ने मैच का 4था विकेट लिया और अब मैच चेन्नई की पकड़ में नजर आने लगा था। अंत तक सिर्फ रोहित शर्मा ही लड़ सके, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। रोहित शर्मा ने 63 गेंद में 11 चौके और 5 छक्के से 105 रनों की नबाद पारी से आईपीएल करियर का दूसरा शतक जमाया, लेकिन मुंबई को जीत नहीं दिला सके, जिससे मुंबई की टीम 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए गेंदबाजी में जूनियर मलिंगा के नाम से फेमस मथीसा पथिराना ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट चटकाए और बाजी पलट डाली।